सीरियल किलर जिसने 2006-2007 में तिहाड़ जेल के बाहर बॉडी पार्ट्स को फेंक कर पूरे दिल्ली को दहला दिया था, उसे एक मामले में सजाए मौत की सजा दी गई है। दिल्ली की रोहिणी अदालत ने चंद्रकांत झा को एक मामले में फांसी की सजा दी है। आपको बता दें कि कल ही एक और मामले में उसे उम्र कैद की सजा हुई थी। 3 मुकदमे उसके खिलाफ हैं, एक में कल फैसला आने की उम्मीद है, लेकिन कल एक फैसले में चंद्रकांत झा को उम्र कैद की सजा मिली और आज दिल्ली की रोहिणी अदालत ने उसे फांसी की सजा सुनाई है। हमारे साथ हमारे संवाददाता रजनीश जुड़ रहे हैं। रजनीश, क्या क्या चीजें कोर्ट ने कही, कैसे इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस बताया गया? देखिए आंचल, जो रोहिणी कोर्ट की जो जज है कामिल लॉ, उन्होंने साफ कहा कि ये जो मामला है रेयरेस्ट ऑफ रेयर में आता है, क्योंकि जो चंद्रकांत ने है उसको मोटिव उसका क्लियर था, एक के बाद एक वो हत्याएं करता चला गया और उसके बाद इसने जो जुडिशरी है या कानून है कानून को चैलेंज किया कि अगर वो उसे पकड़ सकते हैं तो पकड़ सके या उस तक पहुंच सकते हैं तो पहुंच सके। तो ये सब कुछ मामला पूरा इंप्लीमेंट था, पूरा पूरी तरीके से सोची समझी साजिश थी, इसी के चलते जो है ये ब्रूटल मर्डर चंद्रकांत ने किए थे। यही सब चीजों को देखते हुए कोर्ट ने इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर में रखा और चंद्रकांत को जो है उपेंद्र की जो हत्या के आरोप में आज सजाए मौत की सजा सुनाई है। जी आपसे ये जानना चाहेंगे इस केस के बारे में रजनीश, की 3 लोगों का यहाँ पर मर्डर हुआ, उनकी बॉडी पार्ट्स को अलग अलग जगहों पर बिखेरा गया, तिहाड़ जेल के बाहर कुछ बॉडी पार्ट्स फेंके गए और बाकायदा जिस तरह से आप भी बता रहे हैं कि पुलिस को चैलेंज किया गया कि पकड़ सकते हो तो पकड़ लो, ये कौन सा वाला मामला था? देखिए आंचल, ये मामला दिलीप का मामला था, दिलीप मर्डर केस था, जो कल जो इसे चंद्रकांत को जो है ताउम्र जो है सजा सुनाई गई थी कानूनी लॉ ने कि जब तक जो उसकी सांसें चलेंगी तब तक वो है जेल में रहेगा। इस पूरे मामले में जब दिलीप की उसने हत्या की थी उसके बाद उसने एक नोट छोड़ा था जिसमें साफ लिखा था, मनीष अग्रवाल उस समय एडिशनल कमिश्नर हुआ करते थे इलाके के, तो उन्हें साफ तौर पर चैलेंज किया गया था मनीष अग्रवाल को कि अगर वो उस तक पहुंच सकते हैं तो पहुंच के दिखाए। तो ये पूरा मामला था दिलीप के मामले में जो है चंद्रकांत ने चैलेंज किया था और आज जो है वो उपेंद्र की हत्या के आरोप में जो कानूनी लॉ ने इसे मौत की सजा सुनाई है। साथ ही आंचल, आज जो है चंद्रकांत ने साफ तौर पर कानूनी लॉ से उनकी कोर्ट में कहा कि उसे जेल नंबर 3 से शिफ्ट करके जेल नंबर 2 में रखा जाए, क्योंकि जेल नंबर 3 में जो है लीगल जो है जो सुविधा है वो नहीं मिल पाती, वहाँ पे वकील जो है वो बहुत लेट आते हैं, 15 दिन में एक बार आते हैं, लेकिन जेल नंबर 2 में वकील लगातार आते हैं, तो इसीलिए उसे 2 नंबर जेल में शिफ्ट किया जाए। कानूनी लॉ ने इस बारे में संज्ञान लिया और उन्होंने कहा कि वो सुप्रिंटेंडेंट से इस बारे में बात करेंगी और उन्हें लिखित में देंगे, अगर उन्हें लगता होगा कि उसे शिफ्ट किया जा सकता है तो उसे शिफ्ट कर दिया जाएगा। साथ ही चंद्रकांत ने हाईकोर्ट में अपील करने की बात कही है, इसके जो लॉयर हैं दीपक शर्मा उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि चंद्रकांत ने हाईकोर्ट में अपील करने की इच्छा जाहिर की है। जी आचल जी जी रजनीश, इस जानकारी के लिए आपका शुक्रिया, आप नजर बनाए रखिए, हम फिर से आपके पास लौटेंगे। चंद्रकांत झा, जी हाँ, एक सीरियल किलर जिसने दिल्ली को 2006-2007 में दहला दिया था जब अचानक से तिहाड़ जेल के बाहर से एक के बाद एक बॉडी पार्ट्स मिल रहे थे, लाशों के हिस्से मिल रहे थे, 3 लोगों का मर्डर का मामला जिसके बाद एक में कल ही उम्र कैद की सजा हुई, आज एक मामले में सजाए मौत दी गई है। रोहिणी अदालत ने कहा है कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस का मामला है और कल भी एक और सजा दी जाएगी।